हेलो दोस्तों, आज मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, जिसमें टाइम फ्रेम था 2 मिनट का। निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों ही आज थोड़ा थोड़ा बुलिश थे। हालांकि प्योरली बुलिश नहीं थे, बट जो भी मोमेंट था वो बुलिश था। तो मैंने स्कैल्पिंग के लिए सोचा और 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। कैंडल की जगह मैंने हाइकनाइशी प्रीफर करी, क्योंकि उससे ट्रेंड चेंज होता हुआ आप आसानी से देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे गया और बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करा, उसके बाद मैं अपने सिग्नल के लिए वेट करने लगा। और फिर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, मैंने एंट्री ले ली। बट हुआ क्या, वो एंट्री पहले तो मुझे पॉजिटिव में ले गई। मैंने स्टॉप लॉस 250 रुपये का रखा था, टारगेट मेरा 1:3 का था। हालांकि स्कैल्पिंग थी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो वो जैसे जैसे ग्रीन कैंडल ऊपर गई, मेरा प्रॉफिट करीब 350 रुपये तक के गया। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था, बट मेरा टारगेट भी वो नहीं पहुंचा था। इसलिए मैंने अपने टारगेट तो पहुंचने तक के लिए वेट करा, बट टारगेट पहुंचने से पहले ही उसने थोड़ा सा रिवर्सल लिया और नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इससे आप ये देख सकते हैं कि स्कैल्पिंग में मेरा स्टॉप लॉस कितना ज़रा सा है। 250 का स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है, और इससे आप दिन में कम से कम 4-5 ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर एक भी ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है 1:3 की जगह मुझे 1:5, 1:10 तक का भी रिटर्न मिल जाता है। इसलिए अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ये सबसे इजी स्ट्रैटेजी है बिगनर्स के लिए। इसमें ना तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रा सा होता है। सो प्लीज़ फॉलो एंड शेयर। थैंक यू।